सर, आज झारखंड में देखने को मिला है कि बीजेपी जो सत्ता में लगातार बरकरार है, सेंटर में भी है और स्टेट्स में भी है। झारखंड में जहां पिछले 5 साल से वो थी सरकार में, आज एक तरफा रुख नजर आ रहा है पब्लिक का, तो क्या आपको चेंजेस दिखाई देते हैं इस मामले में? दोस्तों, ये होना ही था, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे किए और गंजे को कंघी बेचने की बात की, और ये जनता अब समझती है, जानने लगी है, काफी अवेयर हो गई है। मैं डॉक्टर विनय दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, बहुत सारे झारखंड क्या पूरे भारत के अंदर हम लोगों ने काफी जागरूक किया है लोगों को, 47% जो यूथ है उनको काफी जागरूक किया है और उसका असर आ रहा है। अब आदिवासियों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, उनकी जो मूलभूत अधिकार थे, उनकी जो जरूरतें थी, उनके रोजगार बच्चों को नहीं मिल रहा था, वहां पे महंगाइयां बढ़ रही थी, तो जब तक आप स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं करते तब तक आप जो है अब राज्य के में के इलेक्शन को जीत नहीं सकते। जो भी हुआ राज के स्तर पे वो तो उनको मिला, मोदी जी को मैंडेट दिया गया और अब वो हम ये जो अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से CAB और NRC को लेकर के जो मामला गरमाया था, छात्रों का आंदोलन भी हुआ, क्या ये उसका भी असर हो सकता है? देखिए, उसका असर भी है कहाँ, क्योंकि अगर आप इक्वलिटी की बात नहीं करते, आप जो है भेग में रखते, अंदर से रखते कि साहब हम ये जितने भी 3 करोड़ शरणार्थी हैं उनको आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा है, महंगाइयां बढ़ रही है, हमारी बहु बेटियों के साथ इज्जत लूटा जा रहा है, आप उसकी समस्याओं को तो देख नहीं रहे लोग, आप शरणार्थियों को दे रहे हैं। अच्छी बात है, हमारा वसुंधरा कुटुंब का भारत रहा है और हम किसी के अधिकार दे रहे हैं, उसको अगर हम बसा रहे हैं तो हमें उसके लिए सोचना होगा कि क्या हमारे पास इतनी भूभाग है, क्या हमारे पास खाने की भंडार है, क्या हमारे पास रोजगार है, क्या हमारी इंडस्ट्री इतने लायक है। अगर आपने ये नहीं सोचा और लोगों की आप बोझ डाल रहे हैं, तो एक तरफ डाल रहे हैं, इंसानियत की बात है, ठीक है, अच्छी बात है, डाले दे, लेकिन अगर उसमें अगर जात पात की बू आ रही है तो वो गलत है। फिर NRC की बात कर रहे हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं NRC की बात अभी हम नहीं कर रहे, आपके गृह मंत्री कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि साहब इसके बाद NRC लाना जरूरी है, मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, वो जोर दे के बात कर रहे हैं। तो ये जो भेद की बात की, प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, होम मिनिस्टर कुछ भी बोल रहा है, तो ये जो है किसको बेवकूफ बना रहे हैं, तब मैंने कहा कि गंजों को ये कंघी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और इस तरह से जैसे लगता है कि बकरियों को ये नहला धोला के चना खिला करके इसको हलाल करना चाहते, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए तो जिस तरीके से दोनों, चाहे वो गृहमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, विरोधाभास देखने को मिल रहा है, तो क्या ये भय का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल भय का माहौल किया, हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब पे का देश है, यहाँ पे हम विषमताओं में एकता, इन्होंने कल नारा दिया कि हम जो है विभिन्नताओं के लिए नारा दो, विषमता में एकता है हमारा नारा दो, शुरुआत उन्होंने भाषण में 22 दिसंबर का भाषण में शुरुआत उन्होंने किया कि हम सब एक हैं। लेकिन अगर आप सब एक हैं, अगर आप शरणार्थी का है, तो जो देश हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले, पुराने रहने वाले, अगर वो पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान गया, श्रीलंका गया, बर्मा गया, और वो अगर देश में आना चाहता है मुसलमान लोग भी, तो क्या वो बुरा है? क्या आप उसको नहीं रख सकते? अगर 34 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने की और उनका है देश, और वो दूसरे जो छोड़ के चले गए और आते हैं, तो उनको भी शरणार्थी मान लो। लेकिन आप कहते हैं वो घुसपैठिया, हम घुसपैठिया के NRC ला रहे हैं, हम उनको बाहर करेंगे, तो ये जो है दोधारी तलवार नहीं चलेगा, सभी के लिए समानता इक्वलिटी की बात कर करके चलेंगे, ये मानवता की बात है और आर्टिकल 14 और 21 का ये उल्लंघन है। सर, जिस तरीके से अभी 2020 में भी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी पुरजोर लगा रही है कि वो दोबारा से सत्ता में आए, और यहाँ बीजेपी भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, तो आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा और आप किस तरीके से मतदाताओं को बताएंगे कि इन दोनों में क्या कमियां हैं? देखिए, जो सत्ता में आती है वो सत्ता में बने रहना चाहती है, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी आई थी, जो मुद्दा लेकर के आई थी, जो बातें वादा करके आई थी, उसमें वो अपने आप ही फेल हैं। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कार नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, रेंट
सैलरी नहीं लूंगा, उन्होंने सब कुछ लिया। उन्होंने कहा था मैं महल्ले महल्ले घूम करके जनता के बीच में रहूंगा और जो जनता कहेगी उसके हिसाब से मैं सेवा करूंगा। उन्होंने सारी आलीशान सिस्टमें बना ली, अपने परिवार को, बीवी को मलेशिया, इंडोनेशिया, शिकागो घुमाने में लगा रहे हैं। कभी वो अपनी बीवी के विरोध में खड़े थे तो आज वो ठीक है, अच्छी बात है कि उनका परिवार चले और कमाए। लेकिन हमने अहरा नेशनल पार्टी जो बनी है वो नेताओं ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा, नेताओं ने जो सैलरी भी ले रहे हैं, वेतन भी ले रहे हैं, उसको बंद करने की बात कर रही है। उनके पॉकेट में जो करोड़ों रुपया जमा किया है उनको निकालने की बात कर रही है। अगर ये ईमानदार थे, अगर इन्होंने सब कुछ अच्छा किया है तो मुझे एक बात बताइए कि कौन ऐसा जर्नलिस्ट है, कौन ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट है जो 4-5 साल में 400-500 करोड़ का आदमी हो जाए। ये कहां से हो गए? इनके पास प्रॉपर्टी आ गई, इनके पास बैंक बैलेंस आ गया, कहां से आया? तो इन्होंने गलत काम किया है। जहां तक ये कहते हैं कि महिलाओं को मैं बसों में फ्री घुमा रहा हूं, तो बसों में 10 को घुमा रहे हैं, 100 का 90 लोगों का पैसा मार रहे हैं, 10 रुपए के हिसाब से ये पैसा मार रहे हैं, वो किसका है? जनता का पैसा है। ये कह रहे हैं कि जनाब हमने 2 लाख कैमरा दिल्ली के अंदर लगा दिया। आप मुझे बताइए कि अगर ये जो बसें जलाई गई या पुलिस और छात्रों में ये इतना सारा झड़प हुआ, उनके हॉस्टल में घुसे पुलिस घुसी और बहुत कुछ हुआ, तो मुझे एक बताएं कि एक भी वाइट एक भी कैमरा के अंदर ये कैद हुआ क्या? नहीं हुआ। ये जो सड़कों पे जो हमारे ग्रीन पौधे लगाए गए थे और उसमें जाल लगाए थे, छोटी सी बात है लेकिन उस जाल को हटा दिए, पौधे मर गई और इसमें करोड़ों करोड़ रुपए ये पैसे खा गए। दिल्ली के अंदर महिला क्लिनिक बनाए गए, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि भाई स्वास्थ्य हमारा सुधरेगा, हमारे गरीब लोग जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लेकिन वहां न डॉक्टर है न दवाई है और ये अपना प्रचार, जिस भी मोहल्ला क्लिनिक में जाए वहां पे केजरीवाल साहब का फोटो दिखता है। 625 करोड़ साल का विज्ञापन का ये अपने 5-5 पेज पेपरों में सारी जगह विज्ञापन में पैसे खर्च कर रहे हैं, अपनी फोटो दिखा रहे। तो मेरा कहना है कि जो सत्ता में है उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, पार्टी के लोग करें, अच्छी बात है। लेकिन सत्ता के लोग, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको सत्ता में रहते हुए प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता का खर्चा होता है और सारा सिस्टम उनके पीछे लगा रहता है, ये हमारे जनता पे बोझ पड़ता है। तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन साहब दिल्ली में केजरीवाल सरकार का कहना है कि उन्होंने पानी मुफ्त किया है, बिजली मुफ्त की है, महिलाओं के लिए सफर भी मुफ्त किया है, तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? किसी बात मैं आपसे जर्नलिस्टों से पूछना चाहता हूं कि अगर पानी दिल्ली में साफ सुथरा दे रहे तो ये खुद पानी, नलका का पानी खुद क्यों नहीं पीते? उनके टेबल पे उनके ऑफिस में बिस्लेरी बोतल क्यों होता? नलका लगाए उसे पानी पी के देखें, पता चल जाएगा कि कितनी गंदगी है, कितनी इसमें मिलावट है, कितनी इसमें चोर बाजारी हो रही है, कितनी मीटरों में इनकी चोर बाजारी हो, मीटर का रेंट ले रहे, कह रहे जी मैं पानी का पैसा नहीं लेकर मीटर का रेंट ले रहे, बिजली का बिल नहीं लेंगे लेकिन बिजली का मीटर का रेंट 350-350 रुपए लेंगे। तो आप कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, हर हालत में पब्लिक को तंग किया जा रहा है। दुआ साहब एक आखिरी सवाल है कि इन्होंने ये अपनी शिक्षा नीति को भी कह रहे हैं बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी है, स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, शिक्षा नीति अच्छी, आप इसको कैसे देखेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे भाई अगर इन्होंने शिक्षा नीति अच्छा कर लिया तो जो हमारे 67 MLA आम आदमी पार्टी का है, किसी भी नेता का बेटी या बेटा उस जो है नगर निगम के स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे, वो बड़े बड़े कॉलेज स्कूल में एडमिशन क्यों कराए, उनको कराना चाहिए। तो ये बकवास की बात है, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने की बात है। ये बिल्डिंगें कुछ बनी है ठीक है, अच्छी बात है, उसमें भी दूसरी पार्टियां कह रही है कि इसमें बहुत सारे घपले हुए हैं, जहां पे 1 लाख लगना चाहिए वहां पे 10 लाख है, तो 9 लाख का तो घपला किया। तो इस तरह से छोटी सी बात को अगर हम जोड़ते हैं तो ये करोड़ों करोड़ का घपला किया है, करोड़ करोड़ का ये गबन की है और ये बातें सामने आएगी। अभी चूंकि सत्ता में है, दूसरे सत्ता के लोग भी जो है, चूंकि चोर चोर मौसले भाई नेता होते हैं, हमें भी जरूरत नहीं था, हमें भी मानवाधिकार के हम लोग कार्यकर्ता थे, हमें राजनीतिक से बहुत हेट था, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, समाज के अंदर ये लूट खसोट मचाए हुए हैं, इसलिए मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हम लोग को बाहर आना पड़ा है। हम नौजवानों को आगे लेना जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार जो है रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, मेट्रो को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी 14 कंपनियों को आगे ले रहा है और यही टर्म जो है हमारे केजरीवाल साहब भी
कर रहे हैं, ये देश विदेश का ये भी भ्रमण कर रहे हैं और इनका जो है बड़ा आसानी से कहते हैं तो मैं तो चप्पल पहले के घूमता हूँ, पजामा और ये जो है शर्ट और पैंट में घूमता हूँ, मैं देखो कितना सीधा साधा हूँ, लेकिन इनके पीछे का जो चेहरा है वो चेहरा आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी और ये चेहरा अहरा नेशनल पार्टी जल्द जनता को दिखाई। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरीके से केजरीवाल साहब जनता को बहकाते रहते हैं, बहलाते रहते हैं और आज भी लगता यह है कि आने वाले समय में वो दोबारा दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के, तो आप इस नजरिए को कैसे जनता को बताएंगे कि उन्हें जो है गुमराह किया जा रहा है। देखिए, हम लोग जितने अत्याचार किए उस अत्याचार के खिलाफ जागो जनता बदलो सरकार की नारा दे रहे हैं। जागो जनता बदलो सरकार की नारा हमने दिया है, बहुत हो गया अत्याचार, जागो जनता बदलो सरकार। जिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया था, अभियान का बात किया था, उसको इन्होंने मरवाया, उनको कहां न्याय मिला? तो उनको सिलाई मशीन बांटे गए जो बाकी लोग थे, उनको जो दोषी लोग थे। तो ये जो दो बातें करते हैं, आज हमारे 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप हो रहे, 70 साल की औरतों के साथ ये रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली सुरक्षा कहाँ है? लाइटें कहने की बात कर रहे हैं, कैमरा की बात कर रहे हैं, हर ब्लैक स्पॉट है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, गंदगी ही गंदगी, न सफाई है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, ये सब बकवास है, बातें करते हैं, लोगों को लुभा रहे हैं। कुछ हमारे जो भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, वो इनके बहकावे में आ रहे हैं। ये सत्ता में, मैं समझता हूं कि अभी सत्ता में जनता नहीं आने देगी इनको, और अहरा नेशनल पार्टी जो चाहे जिस पोजीशन में भी रहेगी, अगर विपक्ष में भी रहेगी, तो इनको जो है नाको चना हम चबाएंगे और इनके नाक में नकेल कसे देंगे। आप जनता से क्या अपील करेंगे हमारे चैनलों के माध्यम से? जनता से अपील कर रहे हैं कि आप जागिए, आंखें खोल कर करके समझिए और देखिए, परखिए और इनसे सवाल कीजिए कि आपके लिए सचमुच में क्या कुछ किया है, क्या समाज के लिए, क्या बहु बेटियों के लिए, क्या शिक्षा के लिए, क्या स्वास्थ्य के लिए इन्होंने किया है, इनसे सवाल कीजिए और देखिए, आप इनको परखिए और परखने के बाद ही आप तय कीजिए कि आपको किसको चुनना है। मैं सच्चे और अच्छे जो ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, उनको वोट दीजिए, अपने क्षेत्र के जाने पहचाने चेहरों को वोट दीजिए, चाहे वो अहरा नेशनल पार्टी का व्यक्ति हो, अगर आपको पसंद नहीं है आप उसे वोट मत दीजिए। आपको लगता है कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी का बंदा गलत है, उसको वोट मत दीजिए, अपने क्षेत्र का, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपका हितेशी है तो आप उसे वोट दीजिए, मैं ये अपील करता हूँ। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।